हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर टीचर पूजा सहानी विथ योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 19। और 19 चैप्टर का नेम है एडवर्ब्स। ओके, सो आपको पता है बच्चों के एडवर्ब्स किसे कहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ आपको एडवर्ब्स किसे कहते हैं। बच्चों, जो एडवर्ब्स होते हैं ना, वो नाउन और प्रोनाउन के एक्शंस को, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा तरीके से हमें बताते हैं कि काम कैसे हुआ, काम कब हुआ, काम कहाँ हुआ और काम किस तरीके का हुआ। ओके, सो एडवर्ब्स गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्शन और डूइंग वर्ब्स और सब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो जो ये वर्ड ये डिसाइड करते हैं कि वर्ब क्या कर रहा है और एड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। मैंने आपको बताया वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों, हमारे एक्शन वर्ड्स, हमारे डूइंग वर्ड्स, राइट। अब वो काम कैसा हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताते हैं एडवर्ब्स। दे टेल अस वेयर, व्हेन एंड हाउ एन एक्शन इज डन। ओके, वेयर मतलब कहाँ हुआ, व्हेन मतलब कब हुआ एंड हाउ मतलब कैसे हुआ। ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे। द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड। लड़के खेल रहे हैं कहाँ पर? बाहर, आउटसाइड। सो कहाँ पर खेल रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या आया? कहाँ खेल रहे हैं। अब प्लेइंग, वो खेल रहे हैं बट कहाँ खेल रहे हैं, तो वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली, बाहर खेल रहे हैं। तो ये जो आउटसाइड है ये क्या हो गया? एडवर्ब्स। ओके, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सूरज चमक रहा है कैसे? ब्राइटली, राइट। सो कैसे चमक रहा है, तो क्वेश्चन क्या आया यहाँ पर? हाउ। सो ये जो ब्राइटली है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। इट विल बी डार्क सून। अंधेरा हो जाएगा जल्दी, हो जाएगा ये तो सबको पता है, लेकिन कब होगा, तो कौन सा क्वेश्चन आया? व्हेन। सो ये क्या है, बता रहा है कि कब होगा? सून, जल्दी होगा। सो सून यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, चलिए और डिटेल में पढ़ते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। एडवर्ब्स दैट टेल अस हाउ समथिंग हैपेंड और हाउ एक्शंस आर डन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। जो हमें ये बताए कि कैसे वो काम हुआ, राइट, और कैसे एक्शन किए गए, जो हमें इस चीज़ का आंसर दे हाउ। जब हमारे अंदर ये क्वेश्चन आए कि हाउ द एक्शंस आर डन और उसका हमें आंसर मिल जाए, तो वो जो आंसर दे रहा है ना वर्ड, वो है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। द स्नेल क्रॉल्ड स्लोली। कैसे क्रॉल किया स्नेल ने? स्लोली। तो हमारे अंदर क्या क्वेश्चन आया? कैसे? स्लोली। द विंड इज ब्लोइंग जेंटली। विंड कैसे ब्लो कर रही है? जेंटली। तो काम कैसे हुआ ये जो बताए वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग सिंसियरली। कैसे खेल रहे हैं? सिंसियरली, राइट। सम एडवर्ब्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव। ज़्यादातर एडवर्ब बच्चों एडजेक्टिव से ही बन जाते हैं, राइट, जैसे स्लो, जेंटल, सिंसियर, ये है एडजेक्टिव्स। हमने क्या बना दिया? स्लोली, जेंटली, सिंसियरली। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं जो एडजेक्टिव से नहीं बनते, जैसे फास्ट, सून, एटसेट्रा, राइट। सो चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। जब हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए हाउ द एक्शन इज बीइंग डन, तो वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज। मैनी पीपल ट्रीट एनिमल कैसे? बैडली, राइट। कैसे ट्रीट करते हैं? बैडली। अब आप देखते जाएंगे बच्चों के इन सब में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हाउ, कैसे। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे? बैडली। ओके, ही रैन डैश बट मिस द बस। कैसे? फास्ट। ही रैन फास्ट। आई टोल्ड यू लास्ट वाली प्रीवियस स्लाइड में कि कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव से नहीं बनते। ही रैन फास्ट
but missed the train. The boy answered hungrily or rudely. Rudely, कैसे answer दिया? How he answered? Rudely. So क्या आएगा यहाँ पर? आप मेरे साथ साथ करते जाएं प्लीज अपनी बुक में. You should speak politely or rudely. Politely कैसे बोलना चाहिए? Politely. तो आप नोटिस कर रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर सारे आंसर कैसे आ रहे हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे दौड़ा. सो क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है? हाउ. सो ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, सो यहाँ पर हम लिख देंगे पोलाइटली. ओके, यू शुड ड्राइव डेंजरसली और केयरफुली. यस, केयरफुली. कैसे ड्राइव करनी चाहिए? केयरफुली. यस, ही पुट द मनी इन हिज पॉकेट लाउडली. केयरफुली. यस, केयरफुली यहां पर भी आएगा. ओके, शी स्टडीड. वो पढ़ी कैसे? सिंसियरली और ब्रेवली. पढ़ाई तो सिंसियरली करनी चाहिए. सो यहां पर आ जाएगा Sincerely, okay? He fought his battle. उसने अपनी लड़ाई कैसे लड़ी? Bravely. लड़ाई तो bravely लड़ी जाती है ना, softly तो नहीं लड़ी जाती. तो हमें ये भी देखना है कि क्या option accurate वहाँ पर सही बैठ रहा है according to the sentence. So ये सारे क्या हैं बच्चों? ये हैं adverb of manner, right? चलिए आगे चलते हैं. Okay. अब आएगा बच्चों एडवर्ब ऑफ प्लेस. जब हमें किसी जगह का पता लगाना होता है तब हम क्या क्वेश्चन करते हैं? कहाँ. ओके, सो एडवर्ब दैट टेल अस वेयर द एक्शन आर डन. कहाँ पर वो एक्शन हुआ, वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. लाइक आई विल वेट फॉर यू इनसाइड. आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. इनसाइड मतलब कहाँ इंतजार करोगे? उसने कहा आई विल वेट फॉर यू इनसाइड. सो ये इनसाइड क्या हुआ यहाँ पर? एडवर्ब ऑफ प्लेस. Come and sit down here. Come and sit down here. तो हम जगह भी बता रहे हैं कहाँ बैठूं. Come and sit down here. So here क्या हुआ यहाँ पर? Adverbs of place. Okay? It is raining. ठीक है, ये sentence ठीक है, लेकिन अगर हम पूछे कहाँ raining, कहाँ बारिश हो रही है? It is raining outside. बाहर बारिश हो रही है तो हम जगह बता रहे हैं. तो ये है adverb of place. Okay, so let's start with the exercise. Fill in the blanks using adverb of places from the box given. So यहाँ पर आपको ये सारे क्या दिए हुए हैं? Adverb of places आपको यहाँ लिखने हैं. The girls are playing outside. Okay, come dash at once. Come here at once. यहाँ आओ. तो जगह बताई जा रही है. आप इसमें नोटिस करें सब जगह आपको प्लेस पता चल रहा है. दैट रूम इज एम्प्टी, यू कैन स्टडी देयर. आप वहां पढ़ सकते हो. माय मदर इज गोइंग आउट. ओके, आई कुडंट फाइंड माय बैग एनीवेयर. कहीं भी नहीं मिल रहा है. कहां नहीं मिल रहा है? कहीं भी नहीं मिल रहा है. राइट, Look dash, there is a shooting star. Look up, कहाँ देखना है? Look up, okay? So इस तरह से हम fill कर लेते हैं adverbs of place. तो अब तक आपको पता चल गया adverb of manner, how the action is done, adverb of place, where the action is done. और अब आगे चलते हैं adverbs of time, when actions are done. जो हमें ये बताएं वर्ड्स वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. जैसे कि आई विल मीट हिम. ओके, कब मिलेंगे? व्हेन. आई विल मीट हिम टुमारो. सो टुमारो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम. देयर वॉज नो क्लास. क्लास नहीं थी कब? मैंने पूछा कब क्लास नहीं थी. येस्टरडे देयर वॉज नो क्लास. सो येस्टरडे यहाँ पर क्या बता रहा है? कब क्लास नहीं थी. तो येस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम. प्लीज गिव मी तरुण्स एड्रेस नाउ. अभी दो. कब देना है तरुण का एड्रेस? अभी. सो नाउ. ओके, सो हेयर इज द इंटरप्रिटेशन बॉक्स. प्लीज रीड इट. डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब. एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चों. एडजेक्टिव हमें नाउन्स के बारे में और
नॉलेज देता है और ज़्यादा बताता है, और एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है. ओके, एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बताते हैं? नाउन के बारे में. ओके, द किंग इज काइंड. ओके, सो हमें किसके बारे में पता चल रहा है? किंग के बारे में. तो काइंड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट? ओके, और एडवर्ब हमें बताते हैं वर्ब के बारे में. सो द किंग डिड द जजमेंट काइंडली. कैसे जजमेंट किया? काइंडली. सो ये हो गया एडवर्ब. ओके, सो एडजेक्टिव हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में, और एडवर्ब हमें ज़्यादा बताते हैं वर्ब्स के बारे में. तो सी एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम. अब आपको यहाँ पर टाइम को अंडरलाइन करना है. आई बॉट अ पेन. कब खरीदा? टुडे, आज. ओके, आई एम गोइंग टू सीमाज हाउस. मैं सीमा के घर जा रही हूँ. कब? नाउ, अभी. डिड यू गो टू द मार्केट? डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? क्या आप मार्केट गई थी? कब? कल. यस्टरडे, राइट? सो जो आपके कब का आंसर दे देना वो है एडवर्ब ऑफ टाइम. जो आपके कैसे का आंसर दे दे वो है एडवर्ब ऑफ मैनर बच्चों, और जो आपके कहाँ का आंसर दे दे वेयर का, तो वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस. कैन आई प्ले इन द पार्क टुमारो? ओके, कब खेल सकता हूँ? कल. वी विल फिनिश प्लेइंग द गेम सून. कब खत्म करेंगे? सून. आई विल गो टू द मार्केट लेटर. कब जाओगे? बाद में. ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, राइट? सो दिस इज द डी एक्सरसाइज. राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम. चलिए अब ये आप मेरे साथ साथ करेंगे. इससे पहले हम ये इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं बच्चों. एडवर्ब्स दैट टेल हाउ एन एक्शंस आर डन आर एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब दैट टेल वेयर एक्शंस आर डन एडवर्ब ऑफ प्लेस. Adverbs that tell us when actions are done are adverb of time. So, आपको बस ये याद रखना है कि आपका कौन से question का यहाँ answer आपको मिल रहा है. How का, where का या when का. चलिए, The fish swam away quickly. So, fish ने कैसे swimming करी? Quickly. कैसे? कैसे करी? तो ये क्या है? Adverb of manner. So, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? Adverb of manner, right? Understood? Do not look up at the sun. Okay? So do not look up at the sun. कहाँ नहीं देखना sun को? Up. कहाँ? So where का answer आ रहा है? तो क्या है ये? Adverb of place. Okay? Adverb of place. He speaks politely to everyone. वो सबसे कैसे बोलता है? हाउ ही स्पीक्स टू एवरी वन? पोलाइटली. सो अगर हमारे हाउ का आंसर आ रहा है तो वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, राइट? रोहन वेंट टू स्कूल अर्ली. रोहन स्कूल जल्दी चला गया. कब चला गया? जल्दी. तो हमारे वेन का आंसर हमें मिल रहा है. So this is adverb of time. The driver is waiting outside. Driver wait कर रहा है कहाँ? Where? Outside. So यहाँ पर place का पता चला हमें, तो ये है adverb of place. Okay? We will go out to play now. अब हम खेलने के लिए बाहर जाएंगे. So ये भी क्या है हमारा? Adverb of place, right? We are going to a party tonight. हम पार्टी करने जा रहे हैं. कब? Tonight. So adverb of time. Okay? Pets should be looked after lovingly. Pets का कैसे ध्यान रखना चाहिए? So कैसे? So ये भी क्या हो गया? Adverb of manner. Because ये हमें answer दे रहा है कैसे का. ओके, सो आई होप दैट द एडवर्ब्स आर क्लियर टू यू नाउ. यस, नाउ द ई एक्सरसाइजेस. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडवर्ब्स. अब यहां पर सारे मिले जुले एडवर्ब्स हैं, लेकिन हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको ठीक से फिल करना है. द स्नेल क्रॉल्ड स्लोली.
ओके, आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड, आई विल कॉल हिम टुमॉरो, ओके, कब कॉल करूंगा, टुमॉरो. सो क्या हो गया ये, एडवर्ब ऑफ टाइम. आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड, कहां वेट करूंगा, आउटसाइड. सो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस. द स्टूडेंट्स सैंग, कैसा गाया उन्होंने, द स्टूडेंट सैंग वेल, अच्छा गाया, राइट. सो द स्टूडेंट सैंग वेल. माई स्टमक इज पेनिंग बैडली, कम एंड सिट डाउन हेयर. द विंड वॉज ब्लोइंग फायरसली, बहुत जोर से जब विंड चल रही है. आई विल कम बैक सून, यू कैन प्ले देयर. आई वर्क हार्ड, ओके, यू कैन ऑल्सो फिल विद मी इन योर बुक, ओके. सो ये हैं सारे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके. और इस कॉमिक कॉर्नर में हमें बताया गया है कि हमें कॉमा का यूज कैसे करना है, ओके. सो चलिए, यूज कॉमास टू सेपरेट थ्री और मोर आइटम्स इन अ सीरीज. बच्चों, जब हम एक ही बात में तीन या चार बातों की बात करते हैं, तीन या चार आइटम्स की बात करते हैं, या तीन या चार लोगों की एक साथ बात करते हैं, तो हम उनको कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा के थ्रू, राइट. इफ यू हैव थ्री पीपल ईटिंग अ पिज्जा, हेयर्स हाउ यू वुड यूज कॉमास. जैसे कि ये है राम, ये है सैम और ये है फरन. सो राम, फरन एंड सैम एट अ पिज्जा. सो हमने कैसे शो किया इन्हें, कॉमा से, राइट. इनको हमने सेपरेट कैसे किया, कॉमा से सेपरेट किया, ओके. वॉट इफ देयर वर ओनली टू पीपल, अगर सिर्फ दो लोग हो तब हम क्या करें, राम एंड सैम एट अ पिज्जा, देन यू डोंट नीड एनी कॉमा. क्योंकि हम उसको कैसे सेपरेट कर देते हैं बच्चों, एंड से, राइट. जैसे कि वी लाइक अगर आप दो फ्रेंड्स हो, लाइक राहुल एंड राज, सो हम कैसे कहेंगे, राज एंड राहुल आर फ्रेंड्स. और अगर तीन फ्रेंड्स हैं, राहुल, राज, रवि, सो हम कैसे कहेंगे, राहुल कॉमा राज एंड रवि आर फ्रेंड्स. चलो, दिस रूल अप्लाइज टू अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस. फैरन एट आइसक्रीम कॉमा पॉपकॉर्न एंड अ बनाना, ओके. यहाँ पर तीन चीज़ों की बात हो रही है, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न और बनाना. सो एंड हम यूज़ करेंगे सबसे लास्ट में, बीच में हम लगाएंगे कॉमा. आइसक्रीम, पॉपकॉर्न एंड अ बनाना. राम बॉट आइसक्रीम कॉमा फ्रूट, a bolo, a bowl and a spoon and this, okay. And this talk about food is giving me a stomach ache. Okay, let's move on, right. So ab aapne kya seekha bachon, aapne seekha yahan par comma ke bare mein, right. So ab aapko comma ke bare mein pata chala, and I am showing you one more example here, like Sita, Geeta, प्रिया एंड रिया आर फ्रेंड्स. सो बच्चों, यहाँ हम चार गर्ल्स की बात कर रहे हैं, सीता, गीता, प्रिया एंड रिया. सीता के बाद हमने कॉमा पुट किया, गीता के बाद भी कॉमा पुट किया, प्रिया और उसके बाद सिर्फ बची रिया. सो प्रिया और रिया के बीच में हमने लगा दिया एंड, ओके. सो इस तरह से कॉमा लगा के हम दो या दो, तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों की जब बात करते हैं तो हम उन्हें सेपरेटली शो कर सकते हैं, ओके. सो जो कॉमा होता है बच्चों, वो हमारे लिए एक शॉर्ट पॉज का काम करता है, ओके. आई होप कि अब आपको कॉमा का यूज़ समझ में आ गया होगा, ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.